तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुरु मंत्र 5। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश याद रखने की ट्रिक और संविधान के 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश याद रखने की ट्रिक। तो ट्रिक कौन सी है, वो है चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। तो चय से आ गया चंडीगढ़। जैसे आ गया चंडीगढ़। ल से आ गया लक्षद्वीप। और दिल से आ गया दिल्ली। दो से आ गया दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। दमन और दीव। आ से आ गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। से आ गया पंडुचेरी। लद्दाख से आ गया लद्दाख। और जाके से आ गया जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, ट्रिक है चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। तो तय से आ गया चंडीगढ़, लो से आ गया लक्षद्वीप, दिल से आ गया दिल्ली, दो से आ गया दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, आ से आ गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और पै से आ गया पंडुचेरी, और लद्दाख से आ गया लद्दाख, जाके से आ गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये है केंद्र शासित प्रदेश याद रखने की ट्रिक। अब हम पढ़ेंगे संविधान के 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 52। तो 52 का क्या, वामन। तो वामन का मतलब क्या होता है, बड़ा मेन। तो भारत का सबसे बड़ा आदमी कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के नीचे कौन है, राष्ट्रपति के नीचे है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के नीचे कौन है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के नीचे कौन है, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है, मंत्रिमंडल का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो
बावन का मतलब था बड़ा मैन, और बड़ा मैन का जो बड़ा मैन कौन है तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के नीचे कौन है? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का जो प्रधान है वो कौन है? प्रधानमंत्री। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 52 में सिर्फ 11 11 जोड़ना है। तो 11 जोड़ने पर क्या आता है? 63। और इसमें भी 11 जोड़ना है, 11 जोड़ने पर आता है 74। और अनुच्छेद आर्टिकल 63 में क्या है? आर्टिकल 63 में राष्ट्र उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। और आर्टिकल 74 में क्या है? आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल। आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्रिमंडल। ठीक है, अब है, हमने पढ़ा आर्टिकल 52 में क्या है? बड़ा मैन कौन है? बड़ा मैन। बड़ा मैन, बड़ा मैन कौन है? पीएम, राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम कर देंगे राष्ट्रपति को नो कर देंगे, उसको पद से हटा देंगे। तो राष्ट्रपति को क्या कर देंगे हम? नो कर देंगे। क्या कर देंगे? नो कर देंगे, हटाना। हटाना मतलब उसको महाभियोग प्रक्रिया लगा देंगे। महाभियोग, तो महाभियोग, महाभियोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इपीचमेंट। ठीक है, तो नो कर दिया। नो का मतलब होता है नो। तो हम 52 में नो जोड़ देंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? तो नो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 61। तो अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम। अब देखते हैं, हमने पढ़ा 52, 52 का बड़ा मैन। बड़ा मैन, बड़ा मैन ने एक बेहतर काम किया। क्या किया? एक बेहतर काम किया। क्या किया? किसी को रिहा किया या किसी को समा किया? तो समा से आ गया समाधान की शक्ति। क्या आ गया? समाधान की शक्ति। और बेहतर का क्या हो गया? बेहतर। तो आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 72 में है समाधान की शक्ति। ठीक है, अब बड़ा मैन ने क्या किया? अब बड़ा मैन ने क्या किया? किसी बच्चे को बुलाया। क्या बुलाया? किसी बच्चे को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बच्चों को कहा गिनती सुनाओ। क्या सुनाओ? गिनती सुनाओ। तो बच्चों ने गिनती सुनाई 1 2 3। बच्चे को इससे आगे आते नहीं है कि 1 2 3, 1 2 3। तो आर्टिकल 123 में क्या है? तो बच्चे ने, बच्चे को राष्ट्रपति ने आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया। बच्चे को आदेश दिया। आदेश किसने दिया? राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि बच्चों गिनती सुनाओ। तो बच्चों को गिनती आई 1 2 3। तो आर्टिकल 123 में क्या है? अध्यादेश की शक्ति। तो आर्टिकल 123 में क्या है? अध्यादेश की शक्ति। और उस बच्चे को राज्यपाल के पास भेजा। क्या बच्चे को राज्यपाल के पास भेजा? और राज्यपाल ने बोला बच्चों गिनती सुनाओ। तो बच्चे ने क्या किया? 1 को 2 और 3 के बीच में ला पटका। क्या पटका? 2 1 3। जो 1 को 2 और 3 के बीच में लाके पटका, तो आर्टिकल 213 में क्या है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश की शक्ति।
ठीक है, तो बड़ा मैन कौन है? बड़ा मैन है पीएम, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने एक बेहतर काम किया, किसी को रिहा किया या किसी को समा किया, तो समा से आ गया समाधान की शक्ति, और बेहतर, बेहतर से आ गया बेहतर आर्टिकल, बेहतर। और राष्ट्रपति ने किसी बच्चे को बुलाया और बच्चों को कहा गिनती सुनाओ, तो बच्चों ने बोला 1 2 3, बच्चे को इससे आगे आती नहीं है, तो आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 में क्या है? अध्यादेश की शक्ति है, ठीक है। बाद में उस बच्चे को राज्यपाल के पास भेजा, तो राज्यपाल ने बोला कि बच्चों गिनती सुनाओ, तो बच्चों ने गिनती सुनी, बच्चों ने 1 को 2 और 3 के बीच में लाके पटका, तो 213 में है अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश की शक्ति। और बाद में एक आपको नाम याद रखना है, क्या? सरला। सरला सह से आ गया संसद। रह से आ गया राज्यसभा। ले ला से आ गया लोकसभा। तो संसद कौन से आर्टिकल में आपको याद रखना है? 79। बाद में एक बढ़ाना है, तो राज्यसभा आर्टिकल कौन से हैं? 80। और लोकसभा आर्टिकल कौन सा है? 81। ठीक है, सरला। सह से आ गया संसद, आर्टिकल है 79, रह से आ गया राज्यसभा, और आर्टिकल है 80, और लास्ट आ गया लोकसभा, तो लोकसभा आर्टिकल कितना है? 81। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास संविधान के 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो बच्चों, तो दोस्तों ये हमारी आज क्लास कैसी लगी आपको? आपको संविधान के अनुच्छेद अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगले वीडियो में आपको मैं संविधान के 20 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा ट्रिक के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।